नहीं जानते। ये ले तेरा इनाम। मेकअप कहाँ है? और साइड वाली जेब में। चंगा भला मर्द है, पता नहीं क्या शौक है जनानी हरकतों वाले। देख तो सही क्या जालिम डाकों वाला जिस्सा है, पर हरकतें तवायफों वाली हैं। तुम लोगों का भी ना अजीब तमाशा है, ना पूरे मर्द ना पूरी औरत। तो क्यों समझते हो हमें मर्द या औरत? बस इंसान समझो ना। सही कह रहे हैं, इंसान समझो, सबको इंसान समझो। पर एक बात बताऊं, इंसान नहीं समझते, ऐसे बगैर रहते हैं, सबको इंसान नहीं समझते, सिर्फ अपने आप को इंसान समझते हैं। पिल्ले अब तो मेरी बात मान जा, देख अब तो तू जैसे कह रहे मैं वैसे ही कर रही हूं। अब तो बाबू ने भी तुझे सब कुछ बता दिया है, अब तो मिला दे मुझे मेरे बच्चों से, बात करवा देना उनसे। पर मसला ये है, इंसान नहीं समझते, सबको इंसान समझते।
सिर्फ अपने जैसों को इंसान समझते हैं। अच्छा बिल्ले, मेरी बद्दुआ है, अल्लाह करे फंक्शन का टाइम हो रहा हो और तुझे रेजर ना मिले। माफी चपली से। हाँ क्यों जी? ओ यार बात को समझा करो, पाइन ने कहा है तो माफी मांग लो। तो काम कर, टूटे मुंह से माफी मांग ले, बात आई गई हो जाएगी। और टूटे मुंह से क्यों माफी मांगू मैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने? चपली को चपली कहा है। और निक्की सी बात तेरी समझ में क्यों नहीं आ रही? ओए बंदे को पुत्र मजबूरी में कभी कभी नीवा होना पड़ता है। ये जो मजबूरी है ना, ये ताजा ने खुद अपने गले में डाली है, हमने नीवा नहीं होना। अब जी मैं माफी नहीं मांगनी उन्होंने, मैं दस्ता था। समझा आपने पुत्र को? देख फिजान पुत्र, तेरे अब्बा ठीक कह रहे हैं, बात को समझो। क्या बात है जी, आप ही पीछे लग गई उनके। और मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आ रही। चपली ने कहा नीता का रिश्ता दे दे, आप लोगों ने रिश्ता दे दिया है जी। उसने कहा जी माफी मांगनी है, आप कहते हैं माफी मांग लेते हैं। अब कल को वो कहेगा कि दुकान मेरे नावे लगा दो तो दुकान भी उसके नावे लगा देंगे। क्यों लग रहे हैं इतना थल्ले आप लोग? पहले बब्बर शाह से आप लोग डर गए, अब हम सानी, हमारी ये औकात रह गई है कि हम अब नेको से डरेंगे। तो फिर तू जिद क्यों कर रहा है? मान रमजान इतने गुस्से में है तो मैं हाथ जोड़ लूं उनके सामने उनके गुस्से को देख के। मैं आपको बता रहा हूँ गुस्सा शुस्सा कोई नहीं है, असल गुस्सा उन्हें इस बात का है कि हम इस घर में रहते क्यों। ये बात उन्हें बिल्कुल ठीक की है। मतलब की बात की है ना तो फौरन हूं। अरे पाइन को बहुत सख्त गुस्सा है, अभी टांट ना खा लें उनसे। डरता नहीं हूं मैं किसी से, मैं नहीं मांगनी माफी। अरे यार बात को समझने की कोशिश कर रहे हो, और सच्ची बात तो ये है मेरा भी दिल नहीं करता चपली के मुंह लगूं, पर पुत्र मेरी मजबूरी है, और मजबूरी ये नहीं है कि पाइन ने कहा उसे माफी मांगो। तो फिर सुनो, और मेरी मजबूरी ये है, मैंने एक प्लाट देखा है, बस वो प्लाट किसी तरीके से हम खरीद लेना तो हौली हौली दो कमरे डाल लेंगे और इस रोज रोज की चिक चिक से जान छुटेगी। ओए पाइन से पैसे लेने हैं, अगर पाइन से जिदबाजी की ना तो पहले पुल जाओ। आई बात समझ में? फिर सही है। समझा? समझ आई कुछ? मैं नहीं मांगनी माफी। हेलो, हाँ बात सुन, एक नंबर भेज रहा हूँ, इसका सारा रिकॉर्ड सारा डाटा मुझे चाहिए मुकम्मल। हाँ ठीक है। अली भाई फिक्र ना कर, और शाह जी बेहतर फैसला करें, इनका मसला है छोटा जा। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। खड़े क्यों हैं? बिल जमा कराने आए? बैठे हैं? बताएं क्या मसला है? शाहजी आपने कहा था कि आप फकीरे के खजाने का हिसाब लगाकर अपना फैसला सुनाएंगे, तो बस अब हम सब चाहते हैं कि आप अपना फैसला सुना दें। फैसला सुना नहीं आए हैं, यहां कोई कमेटी नहीं निकल रही। शाहजी हम ये बात हरगिज ना करते अगर हमारी मजबूरी ना होती तो। असल में शाहजी बात ये है कि मैं अपने पुत्र की शादी अहनी भाई की बेटी के साथ कर रहा हूँ। अल्लाह जोड़ियां सलामत रखे। खैर हो। ए शाहजी आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि ये धियां नुमानियां की शादी में खर्चा वगैरह बहुत ज्यादा होता है। वॉशिंग मशीन भी लेनी पड़ती है। जी शाह जी
अगर आप हजाने का फैसला कर देंगे तो हनीफ भाई के पास भी कुछ चार पैसे आ जाएंगे। ए क्यों नहीं भाई? जी शाहजी, पैसों की जरूरत तो होती है जी, पर आप जो ठीक समझते हैं आप बस वही करें। बग्गे, बंदा मिल गया। आ रहा चल चल जी के बाद सबूत बग्गे यार, चल चल यार। और मैं क्या हुआ है शाहजी? मुझे शुरू से शक था कि इस सब में हमारा अपना कोई बंदा ज़रूर इन्वॉल्व है। जिस रात आप पर हमला हुआ ये आपके साथ था, इसने बुलाया था प्लस्तर को। फिर जब हमने प्लान बनाया कि प्लस्तर पर हमला करें उसे जवाब दें, मेरी मुखबरी पक्की थी शाहजी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे बीच उसका बंदा मौजूद है। इसने प्लस्तर को इतला दी और उसने अपना रास्ता बदल लिया। मेरा शक मजीद पक्का हुआ क्योंकि इस हमले के बारे में हम चारों के अलावा कोई नहीं जानता। तो शाहजी कल मैंने प्लस्तर पे हमले का एक झूठा प्लान इसे बताया और इस पर नज़र रखी, इसने उसे इत्तला दे दी और ये पकड़ा गया। ये रे शाहजी, इसके पास एक अलग नंबर, एक अलग सिम है। ये इससे ये एक नहीं कई बार प्लस्तर को कॉल कर चुका है, उस रात भी जब आप पर हमला हुआ। शाहजी मुझे हुक्म करें, प्लस्तर से पहले मैं इस गद्दार को मारूंगा। ना ना, गोली ना चलाना। वाह बाबू वाह, और क्या बेहतरीन प्लान बनाया तूने है। और ठहर जब अगे बात करने दे। और तुझे पहले दिन से मुझसे और मेरी ईमानदारी से मसला था, तुझे मुझ पे शक नहीं था, मुझे तुझ पे शक था। और तू अच्छी तरह जानता था कि मैं तेरी रैकी में लगा हुआ हूं, हैं? तो इससे पहले कि मैं तेरे तक पहुंचता तूने सारा मलबा जो है मेरे ऊपर डाल के गेम ही बदल दी। वाह भाई वाह, प्लान की दाद देनी पड़ेगी हैं? बकवास बंद कर बिल्ले। बकवास मैंने तू कर रहा है, लड़ना ना चोट लग जाएगी। और तेरा क्या ख्याल था तू ऐसे मिन 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 करके सबको बेवकूफ बना लेगा? ना बाबू ना, बिल्ला है मेरा नाम, बिल्ला। लो जी, अब मैं आपको बताता हूँ सारी कहानी के असल में हुआ क्या है। ये जो शाहजी पे हमला हुआ है, हैं? और ये सारे मामलात, ये सारे काम इस टुंडे मीस ने बाबू के हैं। झूठ बोल रहे शाहजी। इसको पता है कि शाहजी के बाद गद्दी पे इसने बैठना है, हैं? पर शाहजी के होते हुए तो ये मुमकिन है ही नहीं। आप बताएं, है मुमकिन है नहीं? इसलिए शाहजी ये आपको रास्ते से हटाना चाहता था। झूठ बोल रहा शाहजी मैं। हाँ झूठ बोल रहा हूँ मैं शाहजी, इसी काम के लिए ना इसने उस दिन मेहंदी वाले दिन सबको रोक लिया था, ताकि मुझे शाहजी के साथ भेजकर सारा इल्जाम मेरे पे लगा के मुझे फंसा सके। चुप कर बिल्ले। मैंने नहीं रोका था, कारोबारी के बेटे फैजान ने रोका था शाहजी। सही कह रहा है, बिल्कुल सच कह रहा है, फैजान ने रोका था। तो फिर जिसने रोका था उसी से सच्चाई पूछनी चाहिए। फिजान, ओ फिजान। जी बिल्ला भाई। ओ इधर आ, उधर क्यों खड़ा है? इधर आके, इधर आ और सब सच सच बता के उस रात क्या हुआ था। और कसम है तुझे तेरी माँ की, आज झूठ नहीं बोलना, बता।
बाबू भाई ने धमकी दी थी मुझे और कहा था जब हम जाने लगे तो शाह जी को कह के हमें रोक लेना। सिद्धांत ना बाबू ना, अब ये तेरी धमकी में नहीं आएगा, समझ आई? चलो भाई ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात आती है दूसरे मोबाइल की, हैं? जो कि मेरा है ही नहीं, वो तो चीते का था। चीते बता। जी शाहजी, वो मेरी बीवी की सालगिरह आ रही थी तो उसने फरमाइश की थी मोबाइल की, तो मैंने बिला भाई को बोला तो उन्होंने मुझे फोन लेके देने का वादा किया था। शाहजी कितना घटिया बंदा है, भाभी के मोबाइल पे शक कर रहा है। शर्म नहीं आती लेडीज मोबाइल पे शक करती हो? ये बात भी क्लियर हो गई। अब आती है बात के प्लस्तर को कॉलें किस बगैरत ने की, हैं? शाहजी जरा दिखाइएगा। अंग्रेजी भी है जी? अच्छा यही नंबर है, हैं? देखिए जी मैं आप सबके सामने ये वाला नंबर मिलाने लगा हूं। देखिए जी ये देखें, ये वाला नंबर है, यही नंबर है, ये मिलाया मैंने ये। बेल जा रही है बेल जा रही है। ये यहाँ जी शाहजी मेरा फोन, झूठ बोले थे मेरे पास उपाय, मेरा फोन। अच्छा शाहजी मेरा फोन नहीं, शाहजी मेरा फोन नहीं, शाहजी मैं आपका नंबर खिला नहीं था शाहजी, मैंने नहीं किया। इसके कमरे में इसके पास था, मैंने देखा था शाहजी, इसकी पैंट पे रखा था मैंने। बाबू क्या हो गया भाई? चीते मैं बाबू मैं नहीं शाहजी, मुझे खुद मार दो ये शाहजी, मुझे खुद मार दो, मैंने नहीं किया शाहजी, ये इसके सब किया शाहजी। ओए तुम लोगों ने रात वाला खाना नहीं खाया? बोल दे नहीं भाई, अब भूख से मर जाओगे। जब तक हमारी गुरु से बात नहीं करवाते हमने नहीं खाना। अब पागल तो नहीं हो गए तुम? हाँ है हम पागल, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? भूख से हम ना भी मरे तो गुरु की जुदाई से मर जाएंगे। सुन लो, हमें खाना नहीं गुरु जी चाहिए। खाने की भूख नहीं है हमें, गुरु जी की खैरियत चाहिए तो बस चाहिए, बस नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, गुरु जी चाहिए। हाँ भूख हड़ताल, 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 गुरु जी चाहिए, गुरु जी चाहिए, खाना नहीं चाहिए। आप ही सच बता रही हूँ कसम से, कल पार रफीक की दुकान पर मैंने उसे देखा, एक नंबर का विंगा है वो। मैंने भी उसको देखा है, इतना भी विंगा नहीं है वो। अच्छा वाह भाई वाह, आप तो अभी से उसकी साइड लेना शुरू हो गई, बहन की बात पे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा तो बोंगिया ना मार, उठ के ना चल सब्जी बना चल। अच्छा ना बना लेती हूँ अभी। उठ जाना, तुझे पता ना अब्बा के आने का वक्त हो गया, देख दिन खत्म हो रहा है, अब्बा आएगा, अब्बा को भूख लगी होगी, मैंने हांडी पकानी है, उठ जा जल्दी बना। पहले तो मेरी बात सुन, यहाँ देख तू इस रिश्ते से खुश है? अब्बा खुश है ना तो मैं भी खुश हूँ, और तुझे इस बात का यकीन है कि अब्बा खुश है? कल रात को मैं पानी पीने के लिए उठी थी, अब्बा को देखा तो अजीब उदास कुमसुम सा बैठा हुआ था। मैंने पूछा भी कि क्या हुआ है, मगर कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप लेट गया। मेरी बात मान ले आप ही, अब्बा खुश नहीं है। बेटियों की शादी पे ना बाप खुश नहीं होता, वो डरा बसा होता है, और उसका वो डर तब खत्म होता है जब वो अपनी बेटी को उसके घर पे सुखी देख लेता है। अब्बा डरा हुआ है पर तू फिक्र ना कर, अल्लाह ने चाहा ना तो मैं अब्बे का ये डर खत्म कर दूंगी। चलो जाके सब्जी बना, हर वक्त बातें करती रहती है फिजूल की। हाँ भाई अब तो सब्जी बनानी है, जा रही हूँ। हजरत एक जरूरी ऐलान समाज फरमाए, बब्बर शाह के कहने पर पूरे जीवन नगर को बाखबर किया जा रहा है कि बब्बर शाह पर हमले में कोई और नहीं
बल्कि बाबू मुलव्वस था। सब जान ले कि बाबू गद्दार है। बब्बर शाह के हुक्म पर बाबू को सजा के तौर पर जीवन नगर से निकाला जा रहा है। आज के बाद बब्बर शाह का बाबू से कोई ताल्लुक नहीं। जीवन नगर का कोई बंदा भी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। शाहजी, हमारा ताल्लुक इतना कमजोर तो नहीं था शाहजी। शाहजी, आपने आपने मान कैसे लिया? शाहजी, मैं बेकसूर हूँ, बाबू बेकसूर है। शाहजी, मुझे एक मौका दिया होता, मौका तो दिया होता। अब बस कर दे ये मगरमच्छ के आंसू बहाना। शुक्र कर शाहजी ने तेरी जान बख्श दी है। इससे बेहतर था कि शाहजी मुझे अपने हाथों से मार देते, कम से कम ऐसा इल्जाम तो नहीं लगाते। मैं गद्दार, बाबू बब्बर शाह से गद्दारी। शाहजी, शाहजी देखे ना, शाहजी आप तो कहते थे कि बाबू मेरा सगा भाई भी होता ना तो तू मुझे उससे ज्यादा अजीज होता। आज वो ही बाबू गद्दार हो गया। शाहजी, आप पे जो गोली चली ना, वो मैंने अपने सीने पे रोकी है। वो सुल्तान शेरा वाले ने दो गोलियां मारी थी, वो बग्गे ने नहीं, बाबू ने खाई थी। और वो सेठ बांटी ने जवाब पे फायरिंग की। शाहजी, वो बिल्ला नहीं था, बाबू था। आज वो ही बाबू गद्दार हो गया। शाहजी, मैं गद्दार नहीं हूं। शाहजी, मैं गद्दार नहीं हूं। शाहजी, मैं गद्दार नहीं, गद्दार नहीं हूं। शाहजी, नहीं नहीं शाहजी, नहीं नहीं नहीं, बोके छोड़ दे मुझे। शाहजी, आप इसे रोक देंगे जी? शाहजी, नहीं 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 शाहजी, जो रोके ना, बगे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। पिल्ले तू जीत गया, बाबू हार गया। यार मुझे शाहजी से बात तो करने दे, छोड़ मुझे। शाहजी, शाहजी रोको ना इसे, रोकते क्यों दियो? शाहजी रोको ना इसे, शाहजी। जी, कुछ बात करनी थी आपसे। तुम्हें शर्म नहीं आती? We'll be right back.
फकीरा कहता था दुनिया में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ बेबसी है। मैंने आज तक ज़िंदगी में खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। जीवन नगर से निकाले जाने का गम, बिल्ले से हुई हार और गद्दार के लकब का बोझ अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो सवालों का पहाड़ था जो मेरे सामने खड़ा था, जिसे सर किए बिना मुझे चैन नहीं मिल सकता था। तुझे पता ही नहीं है लाली, इस दिन का मैंने कितना इंतजार किया। बब्बर शाह ने हमेशा बाबू को मेरे से ऊपर रखा। उसको लगता था मैं बेवकूफ हूं, पागल हूं, दिमाग तो है ही नहीं मेरे पास। पर देख ले आज, बब्बर शाह भी गया, बाबू भी गया, बच गया बिल्ला। अच्छा, बहुत अच्छा है। वैसे बिल्ले, जब बाबू बेचारा मेरे सामने इतना जोर जोर से रो रहा था ना, मैं अंदर ही अंदर बड़ी दुखी हो रही थी। हाँ, दुख मुझे भी हुआ है, लेकिन बाबू के जीवन नगर से जाने पे नहीं, बल्कि इस बात पे कि वो कितने साल खा गया मेरे। यहां तक पहुंचने में जो इतने साल लगे हैं ना, इसकी वजह सिर्फ बाबू है। वैसे एक बात तो बता, तू चाहता तो तू बाबू को मरवा भी सकता था, तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? लाली, जब सांड तगड़ा हो जाए ना, तो उस पर काबू पाने के लिए ना उसको नथ डालते हैं, मारते नहीं है। बाबू पे भी ना नथ डाली है मैंने। गद्दारी ऐसी नथ है जो सारी जिंदगी नहीं उतरती। और वो बग्गा, बग्गा, बग्गे से मुझे बड़ा प्यार है। उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो वफादार है, और उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि वो सवाल नहीं करता, सिर्फ हुक्म मानता है। इसलिए वो कहीं नहीं जाएगा, इधर रहेगा मेरे पास। लाली, मैदान बिल्कुल खाली है, खुल के खेलेंगे, तगड़ा हो जा। बाबू भाई, कहाँ चलेंगे? कैसे तगड़ी हो जाओ? एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे तगड़ी हो सकती है? करवा देना मेरी बात मेरे बच्चों से। खुशी का दिन है, तेरा भी हक है खुशी पे, हैं? ठीक है, क्या याद करेगा, बात कराता हूं तेरी। हाँ।
क्या करूं? बग्गे भाई को करती हूँ फोन एक मिनट। हेलो। हेलो जी, बग्गे भाई, मुन्नी। बग्गे भाई, बाबू क्या वाकई चला गया? हाँ जी। कहाँ? पता नहीं जी। बब्बर जी को भी फोन कर रही हूँ, उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। मेरी बात करवा सकते हैं? नहीं जी, इसकी तो इजाजत नहीं, वो अपने कमरे में चले गए। यार, आपको भी इजाजत की जरूरत है? अब है जी, अब है। ए, उठो। क्या नाम है तुम्हारा? नीलो, तुम्हारा फोन आया। किसका फोन है? ये बात करो। हेलो। हेलो, मैं सदके, मैं कुर्बान, मेरी जान, मैं सदके जाऊं, मेरी बच्चियां। हेलो गुरुजी, 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 अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी पुत्री जी। गुरुजी, आप कहाँ चली गई हैं? गुरुजी, गुरुजी, मैं नहीं लेना यहाँ मैं। गुरुजी, गुरुजी, आप बस जल्दी जल्दी आ जाए। हम नहीं तो हमें भी साथ ले जाए। गुरुजी, आपके बगैर हमें नहीं जाना यहाँ पे। हाय मेरी बच्चिया। गुरुजी, आप ठीक तो है ना? हाँ पुत्री, मैं ठीक हूँ। तू बता नीलो, ठीक है तू? तेरी शुगर ठीक है? मैं ठीक हूँ गुरुजी, बस हमें आपकी बहुत परेशानी है। सदके जाओ पुत्री, मैं ठीक हूँ। पायल की सुना, वो ठीक है मेरी बच्ची? क्या सोचती होगी किस गुरु के पास आ गई हूँ। हाँ पायल भी ठीक। बोल। हेलो जी गुरु जी, मैं ठीक हूँ। मैं सदके बच्ची, मेरी पुत्री ठीक है तू? गुरु आप कब तक आएंगे? कब हमें यहाँ से लेके जाएंगे? मैं सदके पुत्री, मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी जान, मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। फिकर ना करो, बस थोड़े दिन की बात है। पर गुरुजी आप हैं कहाँ? इधर पास ही हूँ बेटी, तू अपनी बहनों का ख्याल रखना। हाँ गुरुजी, सबका ख्याल रख रही हूँ। पुत्री आप लोगों को ये कुछ कह तो नहीं रहे, कोई जुल्म तो नहीं कर रहे? नहीं गुरुजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाय शुक्र है मौला का, अब तुम लोगों की खैरियत मिल गई, मुझे तसल्ली हो गई है। गुरुजी कुछ तो बताएं, आखिर ये लोग हैं कौन, क्या चाहते हैं हमसे? पुत्री बाद में बताऊंगी, एक दो काम है इन लोगों के, वो हो जाए तो फिर जाके घर बताऊंगी तुम्हें। कौन से काम है गुरुजी? बाद में ना पुत्री, सदके जाऊं गुड़िया मेरी। खुदा हाफिज तो कह लेने दे। मैं कह दूंगा, बस काफी है। अच्छा बिल्ले, बद्दुआ है मेरी। बस कर दे हर वेले बद्दुआ, बात करा दी अब काहे की बद्दुआ। अल्लाह करे चेलियों के साथ फंक्शन में जाओ, रास्ते में बस खराब हो जाए, सबकी शेवे निकल आए। शाहजी। क्या बात है? वो आए हैं। कौन? वो नाचने गाने वाले। कसमें जी, बुलाओ उनको। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम अस्सलाम शाहजी। ये नई मूरत चेला हुई थी, मैंने सोचा आपसे मिलवा लूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कितनी खूबसूरत है। क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम चाहत है। माशाल्लाह, नाम भी बहुत प्यारा है।
मैं तुम्हें ये ले, मेरी तरफ से चलन रख ले। शाहजी, इसकी क्या जरूरत है? तू चुप रह। वो पहली दफा मेरे पास आई, अपने गुरु की फरमा बरदार रहना, अल्लाह बड़े भाग लगाएगा। आमीन। शाहजी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, मेरी सदा दुआएं आपके साथ हैं। सदके। हाँ। शीदे, शीदे जी। बिल्ला भाई। और नाश्ता किधर है? घंटा हो गया, कहाँ हुआ है? बिल्ला भाई, वो खुसरों के लिए तैयार हो रहा है, अब आपके लिए बना देता हूँ। कौन से खुसरे? बिल्ला भाई, वही खुसरे जो शाह साहब के मिलने के लिए आए थे। किधर है वो? शाह साहब के कमरे में बैठे हुए हैं। आप कितने हंसी, आप खुद भी नहीं जानते। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।